सिविल डिफेंस के काफ़ी लोग जो है बॉम्बे में, वहाँ पे उनको कोई ड्यूटी नहीं मिल रही है। दिल्ली में यही सिविल डिफेंस वाले लोगों को ड्यूटी मिल रही है, तो उसके लिए आप बॉम्बे वाले के लिए क्या करना चाहिए? तो देंगे, पर पूरा प्रयास करेंगे कि जितना अच्छा इन सारे विषय को लेकर हो सकता है उतना अच्छा करेंगे, हो सकता है दिल्ली से भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। सर, बॉम्बे में जो ये मेट्रो बन रहा है और ट्रैफिक के अंदर और पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोगों की कमी है, स्टाफ की कमी है, वहाँ पर ये सिविल डिफेंस वाले हमारे ज्वाइन करें, उसके लिए आप क्या बोलते हैं? केवल उतना ही सब्जेक्ट है ऐसा मुझे नहीं लगता। सिविल डिफेंस के विषय को लेकर ट्रैफिक वन ऑफ द सब्जेक्ट है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी नीड जो है वो इंसिडेंस बेस है। मुझे लगता है कि इस विषय को लेकर एक प्रशिक्षण की भी बड़ी आवश्यकता है और कॉलेजेस में, स्कूलों में इस प्रकार का प्रशिक्षण होना चाहिए, उसका हम प्रयास करें। सर, डिफेंस के छोड़ के एक लाडली बहना का जो अनुभव चल रहा है, तो आपकी सरकार की ये कामयाबी मानी जाए? देखो, लाडली बहन ये हम सब लोगों को जो संस्कार मिला है उसका प्रतिसाद है। ये कोई स्कीम नहीं है। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र की सारी बहनों के जिंदगी के अंदर में हम कुछ अच्छा वैल्यू एडिशन कर सकें, ये इसके पीछे का विषय है। ये तो और पॉलिटिकल पार्टीज इस सारे विषय को लेकर एक डर सा खुद के अंदर में पैदा कर बैठी है। और आपने कल देखा होगा कि महाविकास आघाड़ी के पूरे कार्यक्रम के अंदर में सारे लोग घबरा चुके हैं, क्योंकि उनको महाराष्ट्र के सारी बहनों की ताकत मालूम है। सर, दो स्टेट का चुनाव का इलेक्शन का आगाज हो गया है, और मुंबई, महाराष्ट्र, और दो इलेक्शन अभी यहाँ के नहीं। हरियाणा में तो चुनाव पूरी ताकत से जीत जाएंगे, और जम्मू कश्मीर में इतिहास बनेगा जिस प्रकार के डेमोक्रेसी अच्छे होने के लिए प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट में किए, और वहाँ पे भी हम अच्छा प्रेजेंस खड़ा करेंगे। महाराष्ट्र का चुनाव अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन जब कभी भी डिक्लेयर होगा पूरी ताकत से चुन के आएंगे। बहुत ही अच्छा, प्रोग्राम के साथ एसोसिएट होने के बाद जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, उससे समाज में जो अच्छाइयाँ हैं उसके ऊपर मेरी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ गई। सिविल डिफेंस के साथ हम लोगों ने मिलकर CPR के लिए ये प्रोग्राम किया है, और इसमें सैकड़ों वॉलेंटियर्स CPR सीख गए हैं। इन वॉलेंटियर्स ने मिलकर लोगों की जान बचाई। हम लोगों ने जो इस एसोसिएशन के साथ जो किया है वो पूरा सफल हो गया है, ऐसा मुझे लगे। एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है, उस कंपनी ने इसके साथ एसोसिएट किया है, लेकिन इनका जो इतना अच्छा काम है वो काम हम लोगों को प्रेरणा दे रहा है, ऐसा मुझे लगता है। क्या लगता है आपको सरकार से कि इन लोगों को ड्यूटी पे लेना चाहिए, हर जगह ये ड्यूटी पे होना चाहिए, इनकी सैलरी कुछ अच्छी होना चाहिए, उसके लिए आप क्या करें? इनको ड्यूटी पे लेना चाहिए, मतलब इनको जॉब मिलना चाहिए, ये तो मुझे मुश्किल लगता है, जो उनकी डिमांड भी होगी। लेकिन ये लोग अपने कार्यक्षेत्र में रह के जो काम अपना समय दे के ये काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको अच्छे तरीके से कॉम्पेंसेट करना चाहिए, ये तो पक्का ही है, वो मुझे लगता है वो तो होना ही चाहिए। जैसे एक्सपीरियंस में भर्ती होती है, RTO में भर्ती होती है, और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में भर्ती होती है, तो बाहर के लोगों को लेने के बजाय इनका पहले नंबर आना चाहिए, इनको पहले फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। पता नहीं कि वो कैसे नियम में बैठाया जाएगा, बिकॉज जो भर्ती होती है बहुत यंग वॉलंटियर्स की होती है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो वॉलंटियर्स है अभी तक ये यंग लोगों तक इतना अच्छे तरीके से पहुँचा नहीं है बेसिकली, मतलब पुराने ज़माने में शायद ये होता होगा, पर ये यहाँ पर जो मैं लोग देख रहा हूँ वो 30-40 ऐसे भी है, तो उस हिसाब से उनको प्रेफरेंस मिलेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड अभी जो वहाँ पर बोला गया मैडम ने कि ये जो चीज़ है वो कॉलेजेस में या स्कूल लेवल पे कंपलसरी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग, उसका अवेयरनेस उस लेवल पे अगर बढ़ेगा तो आप जो कह रहे हैं वो ज़्यादा सही कह रहा हूँ। यंग जनरेशन है जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो जिनके लिए जिनको मौका मिलना चाहिए, एग्जैक्टली उनको तो बिल्कुल मिलना चाहिए मुझे लगता है, बिकॉज इनमें एक अनुशासन होता है, और वो अनुशासन, उनका ट्रेनिंग, ये सब मिलके ये लोग भारत के बहुत अच्छे नागरिक है, वो अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ा पाएंगे। सर, ये आप जिन्हें जो इंश्योरेंस का जो अनाउंसमेंट दिया या सर्टिफिकेट जो दिया गया है, इसका ये कितना इनको बेनिफिट रहेगा इनकी फैमिली के लिए? ये तो उन्होंने जो अच्छा काम किया है उसकी एक रिसीट है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इनके फैमिली के लिए गौरव की बात है कि इन्होंने इन चीज़ों के साथ एसोसिएटेड रखा, अपना टाइम दिया, यहाँ पर आके इनको सबके सामने फेलिसिटेट किया गया, तो फैमिली को तो अच्छा लगेगा ही। इसके बियॉन्ड इसका यूज़ क्या रहेगा ये कहना ज़रा मुश्किल है, लेकिन एक लोग बोलते हैं ना कि आपने अच्छा काम किया है तो एक उसका पुरस्कार दिया जाता है, वैसा ही है, तो ये मोटिवेट करेगा लोगों को। धन्यवाद सर, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द लेटेस्ट।